एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रतिभा। मेरे चैनल कानपुर किचन एंड ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पनीर कुलचा की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी पनीर कुलचा आप तवे पर घर पर ही बना सकते हैं बिना ओवन या तंदूर के। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। पनीर कुलचा बनाने के लिए एक बाउल में मैंने 1 कप मैदा ली हुई है। इसमें हम आधी छोटी चम्मच नमक डाल देंगे, आधा छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, आधा छोटी चम्मच चीनी, पिसी हुई चीनी डालना है 2 चम्मच के जितना। हम इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा बटर मिल्क डालेंगे, तो अगर बटर मिल्क खट्टा हो तो कम डालें, या बटर मिल्क की जगह आप दही भी डाल सकते हैं। अब जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो दोनों में से वो डाल दीजिए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका हमें सेमी सॉफ्ट डो तैयार करना है। डो को हम बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखेंगे, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमें बस डो को इतना ही सॉफ्ट रखना है। तो ये हमारा डो तैयार है। इसे हम ढक कर के छोड़ देंगे लगभग 5 से 6 घंटे के लिए, जिससे कि अच्छे से फूल जाएगा। तो ये देखिए 5 घंटे हो गए हैं और जो हमारा डो है उसे हम एक बार फिर से अच्छे से मसल करके चिकना कर लेंगे। और ये लीजिए हमारा जो कुलचा बनाने के लिए डो तैयार हो गया है। तो अब हम इसके लिए स्टफिंग तैयार करेंगे पनीर की, जिसके लिए मैंने एक बाउल में ये 150 ग्राम के जितना पनीर है। पनीर को हम इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहें तो हाथ से भी मैश कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हम पनीर को अच्छे से कद्दूकस करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। तो 1 छोटे साइज के प्याज को हमने बारीक चॉप करके डाला हुआ है। 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। आधी छोटी चम्मच हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। आधा चम्मच हम इसमें चाट मसाला डालेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसकी स्टफिंग बहुत ही सिंपल मसालों से बनती है। ये देखिए हमने अच्छे से मिला लिया हुआ है। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक बाद में ही डालिएगा बनाते टाइम, अदरवाइज ये पानी छोड़ देता है। आधा चम्मच हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। आप कुटी हुई लाल मिर्च की जगह या तो पिसी हुई लाल मिर्च डाल सकते हैं या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो अब हम इसके कुलचे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारा जो डो है उसे हम इस तरह से लोइयों में कट कर लेंगे। तो कुलचे आप अपने हिसाब से छोटे बड़े बना सकते हैं। तो देखिए लोई को हम पहले इस तरह से अच्छे से गोल कर लेंगे। थोड़ा सा हाथ से ही हमें इसे फैलाना है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। इस तरह से हम इसे थोड़ा फैला लेंगे। इसके बाद हाथ में लेकर हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। तो 1 से 1.5 चम्मच की जितनी हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। स्टफिंग आप चाहें तो अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी भर सकते हैं, जिस तरीके का आपको पसंद हो। अब इस तरह से स्टफिंग को अंदर दबाते हुए हमें इसे अच्छे से सील करना है। तो ध्यान रखें इसे अच्छे से सील करें, अदरवाइज स्टफिंग बाहर निकल सकती है। तो देखिए इस तरह से दबा दिया हुआ है मैंने और ये अच्छे से तैयार है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा सूखा मैदा लगाएंगे और हाथ से ही हम इसे थोड़ा सा बड़ा करेंगे। आप चाहें तो पूरा ही हाथ से इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं, या आप बेलन की हेल्प से भी इसे बेल सकते हैं। तो देखिए पहले मैंने इसे हाथ से बड़ा किया हुआ है, अब हम इसे एक बेलन से थोड़ा सा लंबे शेप में बेलेंगे, क्योंकि मुझे कुलचे थोड़े से लंबे लंबे पसंद हैं। आप चाहें तो गोल भी बना सकते हैं या लंबे बना सकते हैं। ये देखिए ऊपर से हम इसमें थोड़े से काले तिल डाल देंगे और ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, जिससे कि देखने में और भी अच्छा लगेगा। या अगर आप पसंद करते हैं तो इसमें थोड़ा सा धनिया के बीज या जीरा भी डाल सकते हैं, इसके ऊपर चिपका सकते हैं। अब इस तरीके से इसे बेलन से बेल दीजिए ताकि अच्छे से चिपक जाए। फिर हम इसे पलट देंगे और दूसरी साइड में हम इसे अच्छे से पानी लगा देंगे। तो देखिए पानी से इस तरीके से अच्छे से लगा देना है, चाहे ब्रश से लगा दीजिए, हाथ से लगा दीजिए। हमने यहाँ पर तवा गर्म होने के लिए रखा हुआ है। तवा गरम हो जाएगा तो ये कुलचा जो है हम इसमें इस तरह से चिपका देंगे, और जिस साइड पे हमने धनिया और काले तिल लगाए हैं उसे हमें ऊपर की साइड पे रखना है। ये देखिए, तो जब ये एक साइड से थोड़ा सा पका हुआ दिखने लगेगा आपको, इसे आपको इस तरीके से तवे को टर्न करना है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे।
और थोड़ा सा ऊंचाई से इसे सेकिएगा ताकि ये अंदर तक बहुत अच्छे से पकेगा और इसमें बहुत अच्छे ब्राउन स्पॉट भी आ जाएंगे। तो बस इसे चारों तरफ से घुमा घुमा के पूरे कुलचे में अच्छे से ब्राउन चित्ती आने तक सेकना है आपको। तो जहाँ पर आपको लग रहा है कि अभी चित्ती नहीं है, आपको उधर ही साइड पे सेकते जाइए। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि हमारा कुलचा कितने अच्छे से सेक के तैयार है। ये लीजिए, हमारा बहुत ही बढ़िया लाजवाब कुलचा बन के तैयार है। तो इसे हम इस तरीके से निकाल लेंगे। दूसरी साइड से भी आप देख लीजिए कितने अच्छे से सेक के तैयार हुआ है। अब इस गर्मा गर्म कुलचे में हम ऊपर से थोड़ा सा घी लगा देंगे। आप बटर भी लगा सकते हैं, तो जो भी आप पसंद करते हैं वो लगा दीजिए, बट घी या बटर दोनों का ही टेस्ट अच्छा लगता है। तो ये देखिए कितना अच्छा हमारा बहुत ही बढ़िया, बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कुलचा बन के तैयार है। आई होप कि रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।